तो देखिए फ्रेंड्स, छोटी सी बच्ची रथ को लेकर आ रही है। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी, माता सुभद्रा और बलराम जी विराजमान हैं। उनको पूजा करके घर घर घुमाने लेके जा रही है। देखिए, हेलो फ्रेंड्स, आरतीता ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। हम भी बहुत ही अच्छे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो, आज 1 जुलाई है, आज रथ यात्रा है और 12 जुलाई को रथ यात्रा ख़त्म होने वाला है। हाँ फ्रेंड्स, आज से ही रथ यात्रा स्टार्ट हो रही है। आप लोग जानते ही हो, आज रथ यात्रा है। नारायण भगवान जी, बहन सुभद्रा और उनका जो छोटा भाई बलराम के साथ उनके मौसी के घर जाएंगे। तो चलिए, आज रथ यात्रा के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। क्या आप लोगों को पता है रथ यात्रा किसे कहते हैं? हिंदू का एक पर्व होता है रथ यात्रा। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया पक्ष में भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और भगवान बलराम को एक साथ रथ में बिठाकर मौसी के घर पहुंचाया जाता है और उनको मौसी के घर पहुंचाने से पहले उनको घुमाया जाता है, जैसे वे जगत में क्या हो रहा है वो स्वयं अपने आँखों से देख सके। इसी को ही रथ यात्रा कहते हैं। रथ यात्रा हिंदुओं का बहुत ही पुराना एक संस्कृति है। इसका वर्णन पुराण में भी किया गया है। हाँ फ्रेंड्स, ब्रह्म पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है। तो उड़ीसा में आप लोग जानते ही हो, ये रथ यात्रा होती है और उड़ीसा के साथ ही लगाया हुआ है वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल में भी रथ यात्रा पालन किया जाता है। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, वो लोग रथ को लेकर वहाँ पर सुभद्रा, माता सुभद्रा को, बलराम जी को और भगवान जगन्नाथ जी को बैठा कर पूजा करके चारों तरफ घुमाते हैं और दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए, थोड़ा सा क्लिपिंग आप लोगों को यहाँ पर दिखा देते हैं। आइए दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, छोटी सी बच्ची रथ को लेकर आ रही है। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी, माता सुभद्रा और बलराम जी विराजमान हैं। उनको पूजा करके घर घर घुमाने लेके जा रही है। देखिए, रथ यात्रा के समय पुरी में मेले का भी आयोजन किया जाता है। इवन वेस्ट बंगाल में भी आयोजन किया जाता है। पता है, विष्णु भगवान ही ऐसे एक भगवान है जो बार बार धरती पर अवतारित होते हैं किसी ना किसी रूप में। जैसे आप लोग जानते ही हो, महाभारत में कृष्ण भगवान थे, उन्हीं का ही हृदय पुरी में जगन्नाथ भगवान जी के हृदय में स्थापित किया गया है। मैं यही आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, ये नारायण भगवान का ही, विष्णु भगवान का ही अवतार है। नारायण भगवान का ही अवतार है, दोनों एक ही भगवान हैं। तो धरती को बचाने के लिए नारायण भगवान बार बार कुछ ना कुछ रूप लेकर धरती पर आ ही जाते हैं। तो क्यों ना हम इस पावन तिथि को एक साथ पालन करें। तो इसी वजह से आज क्या हुआ, मैं सुबह से इतना ज़्यादा बिजी थी तो घर के काम में, क्योंकि आप लोग जानते ही हो, आज मेरे घर में और हम भी जगन्नाथ भगवान जी का पूजा करते हैं और हो सके एवरी ईयर हम जाते हैं पूरी। तो इस साल हम नहीं जा पाए थे क्योंकि हस्बैंड का पोस्टिंग रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ गया था। तो इस साल दर्शन नहीं हुआ, तो अगर भगवान जी की कृपा हो तो नेक्स्ट ईयर ज़रूर दर्शन करेंगे भगवान जी का। तो आज हम बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो इस वजह से फिर भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्लिपिंग उठा के रखे हैं, जैसे आप लोगों के साथ शेयर कर पाए। तो चलिए दिखाते हैं, आइए देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, गुड़ेल का फ्लावर नीचे भी ढेर सारे हैं, मगर छत पर ही इतना है। नीचे थोड़ा सा ही गया था और बगीचे पर जाना अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मच्छर हैं। और इसको देखिए, कमल फूल, और ये देखिए कितना बड़ा साइज का हुआ है कमल फूल, देखिए। तो इसको तोड़ लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, तो चलिए देखिए ये कितने सुंदर है फ्लावर। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स,
तो चलिए और फ्लावर लेते हैं। ये वाला देखिए, ये भी एक प्रकार के फ्लावर है, इसको भी देंगे। देखिए अभी डाली भर गया है। तो चलिए आज हम शेयर करेंगे। फिर भी हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, आज कम ही मनी फ्लावर खिला है, और भी फ्लावर खिलता है। चलिए यहाँ पर भी हुआ है कमल फ्लावर, तो वो भी उठा लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये भी एक प्रकार के गुड़ेल का फ्लावर है, चलिए इसको भी उठाते हैं। देखिए कतगुलो हुई रे एक जगह, खूब सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स इसको ना तोड़ेंगे नहीं, इसको ना दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो इसको ऐसे ही रख देते हैं। हमें इतना 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 और यहाँ पर आइए फ्रेंड्स, मुझे उठना। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, व्हाइट कलर का फ्लावर, हम बंगाली लोग इसको कहते हैं टॉगोर, मगर ये बड़ा साइज का टॉगोर है। टॉगोर भी दो कैटेगरी का यहाँ पर होता है, एक छोटा वाला होता है और एक बड़ा वाला। ये फ्रेंड्स कितना सुंदर है। चलिए ढेर सारा हो गया फ्लावर, आप लोग देख लो, टोकरी पूरा भर गया है और इसमें रखने की कोई भी जगह नहीं है। तो नीचे चलते पूजा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आज हमने खिचड़ी बनाई है, और चलिए यही खाएंगे। और इसी के साथ बैंगन भाजी, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड्स, आप लोग देख लो सामने से। जैसे कि आप लोग जानते हो आज नारायण भगवान का पूजा है, आज रथ यात्रा है, तो इस वजह से आज हमने खिचड़ी और बैंगन भाजी बनाया है। नॉन वेज आज बिल्कुल भी नहीं खाना है। हाँ फ्रेंड्स आप लोग भी नहीं खाइए, मैंने भी नहीं बनाया है, आप लोगों को दिखाया खिचड़ी बनाया है। रात को कोई वेज फिर से बना लेंगे, रोटी के साथ खा लेंगे, मगर आज नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं खाना है।